तो हमारे हाथ में लगी है एक ऐसी लेटर जिसका इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस करती है पेमेंट बढ़ाने के लिए, फालतू सा डायलॉग हो गया, जिसका इंतजार करती है हर एक एम्प्लॉय अपनी पेमेंट बढ़ाने के लिए, हर एक परमानेंट एम्प्लॉय इसका इंतजार हर साल करता है, हर एक साल करता है ताकि उसकी मंथली पेमेंट बढ़ सके, और बढ़ती भी है, बढ़ती ही है भाई, पेमेंट आएगी तो बढ़ेगी, तो पेमेंट बढ़ेगी, सीटीसी बढ़ेगी, जिसकी जिससे उसकी लाइफस्टाइल बढ़ जाएगी। और इसे ये लेटर उन लोगों को ही मिलता है जो किसी कंपनी में परमानेंट है और हर साल उनकी सैलरी बढ़ाई जाती है, लाइफस्टाइल भी बढ़ जाती है, उनके ऊपर पैसों की बारिश होती है थोड़ी बहुत। तो ये लेटर काफ़ी ख़ास होता है, तो ये मुझे भी मिला है और हर साल मिलती रहती है। तो ये लेटर जो है अप्रैल महीने के टाइम पे मिलती है, लेकिन कंपनी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी कंपनी में बजट कम होता है जिस कारण से साल के एंड में देती है और लेकिन सैलरी मिल जाती है। तो इसे चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं, कितनी सैलरी बढ़ गई है मेरी और क्या क्या फैसिलिटी मिल गई है ये साल मुझे, इस पर सब लिखा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और चेक करते हैं इसके अंदर क्या मिलेगा मुझे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो में नए हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं, काफ़ी ख़ास है, सफ़ेद सा लेटर है, मज़ा आएगा अनबॉक्सिंग करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या ढेर सारा कार्ड और चिल्लर, करते हैं सेकेंड टाइम इसका अनबॉक्सिंग, क्या निकलने वाला है, मोबाइल फ़ोन? नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। तो फाइनली मैं इसे अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, लिफाफे के अंदर से निकाल रहा हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। है निकल रही है, निकल रही है, निकल गई। तो फाइनली निकल गई है, कंपनी का नाम नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, आप देख सकते हो, नामा झांप लेते हैं, देख सकते हो भाई। तो कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं। तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेंस बढ़ चुकी है, अभी हर महीने मुझे 1600 रुपये मिलेगी आने जाने के लिए, क्योंकि मैं बाइक से जाता हूँ और आता हूँ, कंपनी बस यूज नहीं करता हूँ। तो 1600 रुपये मुझे मिलेगी आने जाने के लिए। कपड़े धोने के लिए मुझे 800 रुपये मिलते थे और उतना ही मिल रहा है। मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए 200 रुपया मिलने वाला है, अभी तक बच्चा हुआ नहीं है, 200 रुपया मिल रहा है मुझे कंपनी से। अटेंडेंस का 500 रुपया मिलता है। मेडिकल अलाउंसेंस पहले कटती थी लेकिन अभी कंपनी खुद से देगी, तो मेडिकल अलाउंसेंस मेरी फ्री है, मेरी प्राइवेट मेडिकल है तो मेडिकल अलाउंसेंस मेरी नहीं कट रही है, अभी मेरे पास प्राइवेट मेडिकल अलाउंसेंस है। पहली गवर्नमेंट की थी, जब आपकी सैलरी कम होती है 20,000 के नीचे तब आपको गवर्नमेंट का 20-22,000 तक के नीचे आपकी जब मंथली सैलरी होती है तब तक आपको गवर्नमेंट ESI मेडिकल मिलता है, जिसमें प्राइवेट से ज़्यादा सुविधा होता है गवर्नमेंट में। उस मेडिकल में आप अपनी फैमिली माता पिता तक के इलाज आप ESI हॉस्पिटल में फ्री करवा सकते हो, लेकिन प्राइवेट मेडिकल में क्या होता है, प्राइवेट मेडिकल में सिर्फ आपका, आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का, मतलब आपकी अपनी फैमिली का ही आप इलाज करा सकते हो। तो इसमें मेरी करीबन 1.5 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस अलाउंसेंस है कंपनी की तरफ से, और भी बहुत सारे कुछ है, इतना तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, सिर्फ देख लेता हूँ इतनी इतनी सैलरी आएगी। तो बता दूँ मेरी इसमें सैलरी कितनी आने वाली है, काफ़ी इंतज़ार करते हो कुछ लोग कि इसकी सैलरी कितनी है। तो देखो मेरी सैलरी इतनी है कि हर महीने में 2 वक्त की बिरयानी खा सकता हूँ और एक छोटे से रूम में सर्वाइव कर सकता हूँ, बस इतनी सैलरी है। हर कोई मतलब सब लोग अपनी सैलरी नहीं बताते, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा अपनी सैलरी बताने के लिए, तो थोड़ा समझ सकते हो। यदि आप हमारे वीडियो में, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।